फ्रेंड गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस जफर। और अभी है मॉर्निंग का टाइम और आज हम लोग मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। मॉर्निंग नहीं है मतलब 12 o'clock हो चुकी है तो और अभी घर के सारे काम हो चुके हैं, मैं पूरी काम कंप्लीट कर चुकी, डिनर मतलब लंच भी हो बन चुका क्योंकि आज सिलू को काम है। हाँ। जैसे सब जल्दी जल्दी कर दी, अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा। हाँ, अभी किसी काम में थोड़ा बाहर जाना है तो मैं सारा काम निपटा दी और मौसम भी अच्छा है, धूप वाला नहीं है, मतलब थोड़ा बारिश के बाद वाला जो मौसम होता है ना वैसा है। लगभग 4-5 days बाद आज मौसम थोड़ी सी साफ हुई है। आज सिलू को थोड़े से काम है मार्केट में तो हम लोग जा रहे हैं थोड़ा। तो मैं रेडी वगैरह हो चुकी हूँ, अब हम चलते हैं फिर वहाँ से आके लंच वगैरह करेंगे। चलिए फ्रेंड, देख सकते हो मौसम वेदर बाहर का बहुत प्यारा है और मौसम में ठंडक है। सिल्लू भी सब भैंस के तैयार है जाने के लिए, देख सकते हो। तो चले फ्रेंड चलते हैं, थोड़ा सा काम भी है और आपको बाहर चल के बाहर का व्यू दिखाते हैं। देख सकते हैं ये रास्ते का व्यू, मौसम आज सुहाना है। हाँ, मौसम तो आज बहुत प्यारा लग रहा है, धूप है पर धूप तेज वाली नहीं है, नॉर्मल है, अच्छी लग रही है। जस्ट हम लोग अपना काम ख़त्म करके आए हैं, जस्ट अभी लंच वगैरह करेंगे, भूख भी काफ़ी लग रही है। और वहाँ हम लोगों ने सूट नहीं किया क्योंकि थोड़ी भीड़ भाड़ थी, इसलिए हर जगह कंफर्टेबल फील नहीं होता, इस वजह से नहीं करना। और थोड़ा जल्दी भी काम निपटाना था इसलिए हो गया। और फिर अभी आके लंच वगैरह करेंगे। लंच में आज मैं क्या बनाई हाँ, बैगन। हाँ, बैगन की भरता, जो बैगन का भरता होता है वो, राइस एंड दाल और उसके साथ साथ मैंगो, मेरा फेवरेट। इनको तो मैंगो परमानेंट खाना रहता है। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से लंच कर लेते हैं, भूख भी काफ़ी लग रही है, फिर आपसे मिलते हैं। फ्रेंड गुड इवनिंग, अभी इवनिंग का टाइम है और मैं अपने वर्क से बाहर गया हुआ था और सिलू कोचिंग ले रही थी बच्चों के साथ। तो आते आते मैं पूछा सिलू से, क्या खाओगे, भूख वूख लगा है कि नहीं? तो सिलू बोली मैं पानी पूरी खाऊंगी। आज तो मेरे पानी पूरी खाने का मन था। ये देखो, उसके लिए पानी पूरी लेके आया हूँ। आप पानी पूरी देख सकते हो, गाइस देख सकते हो, यम्मी यम्मी पानी पूरी। बट सिलू को खाना मना है लेकिन बहुत ज्यादा जिद किया बहुत दिनों बाद। कोई ना, मैं पानी पूरी का पानी नहीं पीऊंगी, गुपचुप खा लूंगी। सूखा गुपचुप खा लेगी, इस वजह से ला दिया होनी तो नहीं लाता। बहुत टेस्टी पानी पूरी देख सकते हो, इसे देख कर किसके किसके मुँह में पानी आ गया बताना गाइस। तो फ्रेंड सिलू पानी पूरी खा रही है, ज्यादा मत खाना सिलू। मुझे भी खानी है। आपको बना के देती हूँ। 2-1 काफी टेस्टी है ना, यम्मी है गाइस। पानी पूरी, पानी पूरी का पानी बहुत यम्मी लग रहा है बट मुझे पीना नहीं है ना। आपको डॉक्टर मना किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हस्बैंड जी फ्लिपकार्ट से अपने लिए कुछ ऑर्डर किए थे जिसकी अनबॉक्सिंग हम लोगों ने पहले ही कर लिया बिकॉज चेक करने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है। इसके अंदर है टी शर्ट, इन्होंने अपने लिए 3 T-shirt मंगाए थे और देख सकते हो ये है फर्स्ट और ये सेकंड वाली टी शर्ट और एक ये वाली देखो आप। और ये कलर, ये वाली कलर नेवी ब्लू है बट इसमें ब्लैक लग रही है, देख सकते हो तीनों कलर। ये वाले कलर मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। वैसे ये तीनों टी शर्ट ये डेली वेयर के लिए मंगाए हैं अपने लिए और साइज भी एकदम परफेक्ट आया, समर के लिए तो बेस्ट है, देख सकते हो गाइस। आपको कौन सी कलर अच्छी लगी बताना। और अभी हम थोड़ी देर के बाद लंच करेंगे और लंच में आज एकदम सिंपल ही खाना बनाया है, दाल चावल आलू की चटनी, मतलब चोखा होता है ना वो वाला, और साथ में मैंगो है क्योंकि सिलू को आज काम था, इस वजह से मैंने बोला सिंपल ही खाना बना दो। हाँ, और थोड़ा सिंपल खाने अच्छा लगता है, गर्मी में हैवी तो खिलाया भी नहीं जा रहा है अभी। हाँ, तो और अभी जस्ट हम लोग आई गए हैं वर्क अपना कंप्लीट करके और साथ में अभी फ्रेश होकर मैंने ये वाली टी शर्ट वेयर कर ली, 3 T-shirt वाली से। हाँ, वो 3 T-shirt मैं आपको दिखाई ना, उसमें सोनमा जी वाला वेयर कर ली, मैं इसे डेली यूज के लिए मंगाया था और मैं बोला चलो आज उद्घाटन कर देता हूँ इसका, ऐसे भी पहनना तो है ही। देख सकते हो हमारा लंच, राइस दाल एंड ये आलू की चटनी और मैंगो। तो अभी हम जा रहे हैं लंच करने और लंच के बाद आपसे मिलते हैं। तो चलिए जल्दी से लंच कर लेते हैं, काफ़ी भूख लगी है, आज काम भी काफ़ी हो गया। तो गाइस हस्बैंड जी एक न्यू फैन लेके आए, देख सकते हो, बिकॉज हमारे सेकंड वाले रूम में फ़ैन नहीं था तो उसके लिए एक न्यू फैन लेके आ गए।
और गर्मी भी बहुत है वहाँ, हमको वो वाले रूम में भी रेडी वगैरह होना पड़ता था, तो पूरा गर्मी से हालत ख़राब हो जाता था, इसलिए हस्बैंड जी बोले एक न्यू फ़ैन लगा देता हूँ, और ये लेके आए हैं ये वाली फ़ैन। पे हमने जो फ़ैन लाया है वो यहाँ सेट किया है इस रूम में। अभी मैं इसे ऑन करके दिखाता हूँ आपको, ये बहुत स्पीड चलती है, देख सकते हो तो फ्रेंड काफ़ी स्पीड चल रही है, और इसके हवा भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, और दिखने में भी सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हो उसका लुक। तो फिर आज सैटरडे है, तो मैं सोच रही थोड़ा मम्मी के घर से घूम आऊँ। सिलो मुझे छोड़ के जा रही हो अभी 2 days। मैं जब भी जाती हूँ तो हस्बैंड जी यही बोलते हैं, मुझे छोड़ के जा रही हूँ, वो यही पे मम्मी का घर है, थोड़ा दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ मम्मी के घर थोड़ा घूम आऊँ। बोल रही है काफ़ी दिन हो गया मम्मी से भी नहीं मिली हूँ, तो चलती हूँ मम्मी से। बिकॉज नेक्स्ट वीक में नहीं गई थी, तो मैं सोच रही हूँ इस वीक थोड़ा घूम आ जाऊँ, टाइम मेरा मतलब मन भी बहल जाएगा, अच्छा लगता है मम्मी के यहाँ। अभी नाइट के 8 PM हुए हैं, सिलो जा रही है अभी अपनी मम्मा घर, तो मैं भी सोच रही हूँ मम्मी के घर चले जाऊँ, और फिर साथ में बुक्स भी ले जाऊंगी। बुक्स तो मेरे फ्रेंड ही हैं, हर टाइम मेरे साथ जाते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते रहती है ना दिन भर, इसलिए तो बुक्स ले जाऊंगी वहाँ खाली जाती, फिर मम्मी भी बोलती पढ़ाई करने, और ये तो परमानेंट मेरे पीछे ही लगे रहते हैं पढ़ाई की, तो सारा सामान भी बुक्स वगैरह लेके जाऊंगी, पढ़ाई भी करती रहूंगी। 2 days की छुट्टी तो फिर करूंगी भी क्या खाली, और ब्लॉगिंग तो मुझसे अकेले होता नहीं है, देखूंगी वहाँ ब्लॉग बनाने का मन करेगा तो जरूर बनाऊंगी, पर ये होता है ना मम्मी के यहाँ जाने के बाद ब्लॉग शूट करने का मन नहीं करता, क्योंकि थोड़ा सी रिलैक्स फील करती है ना मम्मी घर में अपनी, बहुत थकी रहती है, ट्यूशन घर का काम भी है वो, वैसे घर में ज़्यादा काम होते नहीं है, हस्बैंड जी तो पूरा हेल्प करते हैं, बट फिर भी मम्मी घर में अलग रिलैक्स होता है ना। हाँ तो मम्मी भी बहुत बुला रही है, बोल रही है आ जाओ, तो चलती है मम्मी के घर। चलिए गाइस हम लोग सोच रहे हैं इस ब्लॉग का यहाँ पर एंड कर दें, और फिर नेक्स्ट डे न्यू ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो हमारी वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखना हम आपकी, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।